नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है। ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ के लिए हम कभी परेशान हुआ करते थे, आज वो हमारा सपना लगभग पूरा होने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आइए समझते हैं पूरी न्यूज को कि आखिर है क्या, ऐसा क्या है भारत ने कर दिया है जिससे भारत का सपना पूरा होने को है। दरअसल दोस्तों, आज ड्रोन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ड्रोन के बिना किसी भी युद्ध को जीत पाने का सपना देखना एक आज के टाइम में असंभव सा है। अगर आपको कोई भी युद्ध अगर जीतना है तो उसमें आपको ड्रोन की सहायता चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी अगर कोई ऐसा नॉर्मल ड्रोन होगा तो आप नहीं जीत पाएंगे किसी भी युद्ध को। इसलिए आपको ड्रोन भी अच्छी क्वालिटी का चाहिए होगा। तो भारत और इसराइल की डिफेंस में एक नया एग्रीमेंट हुआ है। भारत की एक कंपनी है, सूरत में वो अपना बिजनेस करती है, उसका नाम है इंक। वो FPV ड्रोन बनाती है, उसको इसराइल की सेना ने एक ऑर्डर दिया है, और वो ऑर्डर दिया है 10,000 ड्रोन की सप्लाई करने का। जी हाँ दोस्तों, 10,000 ड्रोन, मतलब ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा मतलब उसने नंबर मांगा है। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है, और भारत का इससे डिफेंस का जो मार्केट है वो और बड़ा हो जाता है। दोस्तों, इसराइल ने सोचिए हमसे ऑर्डर किया है, ये भारत के लिए इसलिए एक और अच्छी खबर है क्योंकि जब हम ड्रोन की सप्लाई विदेशों में करेंगे तो हम ड्रोन की सप्लाई इंडिया की जो आर्मी है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी है ये एक प्राइवेट कंपनी है, और ये FPV ड्रोन की सप्लाई करने जा रही है। FPV ड्रोन और नॉर्मल ड्रोन में फ़र्क काफ़ी होता है। ये बिल्कुल आप ऐसा समझ लीजिए कि FPV ड्रोन में एक ज़बरदस्त तरीके की स्पीड होती है। अगर कोई नॉर्मल ड्रोन होगा तो उसमें उतनी स्पीड नहीं होगी। अभी क्या है कि इसराइल जब ये FPV ड्रोन उसको मिल जाएंगे तब वो हमास और हिजबुल्ला के ऊपर और अच्छे तरीके से अटैक किया करेगा। अभी क्या है कि इसराइल जब अटैक करता है गाज़ा में हमास के ऊपर, तो इसराइल के ऊपर एक आरोप लगने लगता है कि उसने वहाँ के सिविलियंस को मार दिया है, वहाँ जो निर्दोष लोग हैं उनको मार दिया है, और इसराइल इसके कोई सफाई नहीं दे पाता है। लेकिन जब इसराइल अटैक करेगा ड्रोन से, तब उसके पास ये लिबर्टी होगी कि ड्रोन में जो लगे हुए कैमरे हैं वो उससे उनकी फ़ोटो ले लेगा, जिससे वो जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है आज के टाइम में वो उसको भी जीत पाएगा। उसमें वो दिखाएगा कि देखिए हमने किस जगह पे अटैक किया है, वहाँ पे किस तरह के लोग हैं, क्या वहाँ बच्चे हैं या आतंकवादी हैं या कैसे लोग हैं, वो इजीली दिखा पाएगा। दोस्तों, क्या होता है कि ड्रोन में आपको काफ़ी लिबर्टी मिल जाती है। ड्रोन एक तो सस्ता होता है, अगर ड्रोन से अटैक किया जाए और उसको मारने के लिए आप मिसाइल का यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कितनी मिसाइलें आप दागेंगे, क्योंकि मिसाइल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है ड्रोन के मुकाबले में। तो इसराइल को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि हम सामने से अगर एक ड्रोन आएगा और मैं मिसाइल दागूंगा तो हमें कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। इसीलिए इसराइल ने मौके को देखते हुए भारत की कंपनी को ये ऑर्डर दे दिया है। अब ये समझ लीजिए कि ड्रोन कितनी बड़ी चीज़ है। दोस्तों, 2-2.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है यूक्रेन और रसिया वार को। अगर यूक्रेन आज भी अगर रुका हुआ है और हारा नहीं है तो उसके पीछे काफ़ी हद तक योगदान ड्रोन का है, जो रूस की सेना को काफ़ी हद तक रोक के रखा हुआ है। ये समझ लीजिए कि यूक्रेन अपने FPV ड्रोन से अटैक करता है, और ये इतने फास्ट होते हैं कि ये उनके पास जाके अटैक भी कर देते हैं, और वो उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो इनको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाते, मतलब कि वो इनको पकड़ ही नहीं पाते हैं, और ये जाके अटैक भी कर देते हैं। इसीलिए रूसी सेना परेशान हो चुकी है। और दोस्तों, ये तो रही एक बात, ऐसा ही एक दो देशों के बीच में लड़ाई हुई थी अभी 2 साल पहले, आर्मेनिया और अजरबैजान में। दोनों के बीच में ज़बरदस्त तरीके का युद्ध हुआ, और स्टार्टिंग में आर्मेनिया तो बहुत ही आगे था युद्ध में, जीतने की कगार पे था, लेकिन उसी में एंट्री होती है ड्रोन की, और उन ड्रोन अजरबैजान को प्रोवाइड करता है तुर्की। तुर्की ने अजरबैजान को ड्रोन प्रोवाइड करा, और अजरबैजान ने फिर उन ड्रोन का इस्तेमाल आर्मेनिया के ख़िलाफ़ किया,
और युद्ध पूरी तरह से पलट गया और आर्मेनिया की हार हो गई। सोचिए दोस्तों, जो जीतने वाला था वो हार गया। ड्रोन ये चीज़ रखते हैं अपने पास, ये समझ लीजिए कि मतलब युद्ध ही पूरा पलट गया सिर्फ ड्रोन की वजह से। तो ड्रोन में अटैकिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, ड्रोन कॉस्ट में भी कम होता है और अटैक भी बहुत जल्दी करता है, शानदार तरीके से करता है। ये सामने वाले को मौका भी नहीं देता है, अच्छी क्वालिटी का अगर ड्रोन है तो। और ये भारत की कंपनी बना रही है, ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पास भी ड्रोन की बहुत कमी है। और हमारी अगर कंपनी कुछ ऐसा बना पा रही है तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सबके पास ड्रोन बनाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो हर आदमी हर एक देश ड्रोन नहीं बना पाता है। तो ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है कि भारत की जो आर्मी है ये भी ऑर्डर दे कि हमें भी ड्रोन बना कर दीजिए। अब ये तो भविष्य की बात है कि आगे क्या होगा, देखने वाली बात। ठीक है दोस्तों, अब इस पर कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।